ध्यान भजन पूजा पाठ दान सेवा जिनके जीवन में नहीं अच्छी रही है उनका बुढ़ापा बड़ा ही आश्रित जाता है। ध्यान करना, आश्रय की तलाश में बुढ़ापा गुजर जाता है। वो यही ढूंढते रहते हैं कि कहां से मिलेगा बिस्तर, कहां से मिलेगा खाना, कहां सोएंगे, कहां जगेंगे। उनकी जिंदगी में वो खटपट लगी रहती है। और जिनके पास पुण्य होता है, जिनके पास पुरुषार्थ होता है, वो बूढ़े जरूर होते हैं पर वो किसी से सेवा लेते नहीं है। जैसे ही सेवा का चांस आता है तभी वो समय समाप्त कर देते हैं, अपना जीवन समेट लेते हैं। और ध्यान करना, जो आदमी नाती पोते का मुंह देख ले और लगे कि अब सेवा का टाइम आ रहा है निपट ले, तो समझना इसका बहुत पुण्य था। इसने जरूर दिया लगाया होगा, पानी चढ़ाया होगा, अगरबत्ती जलाई होगी, तो ही बुढ़ापे में ये सेवा रहित होके चला गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे शिष्यों को, उनकी जो कामनाएं थी वो पूरी हो गई और निपट के चले गए। तो छी नहीं हुआ, नहीं तो बहुत छी खुआरा होता है हमारे बूढ़े आदमी का, क्योंकि बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले बुढ़ापे में आदमी को सुंदरता चली जाती है, निस्तेज हो जाता है, निर्बुद्ध हो जाता है और निदेय शरीर हो जाता है, किसी के काम का नहीं बचता शरीर। अब जब बूढ़े आदमी का शरीर किसी के काम का नहीं बचता तो कुर्सी डाल करके डंडी लेकर के हमेशा दरवाजे पर बैठे रहो बस, और आती जाती दुनिया को देख देख के दिन निकालो। मोटरसाइकिल देखो, कार देखो, और जवान जवान लड़का लड़की, औरतें, बहू बेटा, इनको इनको देखते रहो। सूर्य अस्त हो जाए तो खिचड़ी खा लो और सो जाओ, सवेरे जग जाओ, फिर नहा धो के बैठ जाओ, फिर देखो है? अरे दूसरों को देख देख के क्या जीना है? जीना है तो उसके लिए जियो जिसने तुम्हें जिंदा रखा है, है? कभी इसको देख कभी उसको देख जी रहे क्यों? अपना तो जीवन खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, सपने खत्म हो गए, अब कुछ जीने के लिए बचा नहीं है। और घर में ज्यादा देर इसीलिए रहते नहीं है क्योंकि बहू को अच्छा लगता नहीं है, नहीं है। देखिए कुछ बहू ऐसी हैं कि जो मुंह पे बोल देती हैं, कुछ बोलती नहीं है पर अंदर उनको भी नहीं अच्छा लगता अम्मा, क्योंकि जो चीज बोझ बन जाती है वो किसी को नहीं अच्छी लगती है। हाँ आप ही कल्पना करो, आपके चप्पल की तनी टूट जाए, चलो बताओ आप क्या करेंगे उसका? चप्पल की तनी टूट जाए बाजार में तो आपको संकोच लगता है उसे लाने में, घर अंग खराब हो गया, चप्पल का अंग, अंग खराब होने से आप उसे न पैर में लटकाते हैं न आप हाथ में लटकाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। बहुत देर सोचते हैं, बाद में इधर उधर देखते हैं, अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप ऐसी जगह उठा के रख लेते हैं जो किसी को ना दिखे। अंग खराब होने की वजह से चप्पल के लिए जगह नहीं है घर में, बड़ा मुश्किल हो गया, चप्पल कहाँ रखें कहाँ ना रखें। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों के जब अंग खराब हो जाते हैं तो घर में उनके लिए भी कोई निहित स्थान होता नहीं है कि उनको कहाँ रखा जाए, टूटी चप्पल को कहाँ रखा जाता है। कोई मेरे प्रवचन को गैर मत लेना, मैं किसी बुजुर्ग को टूटी चप्पल नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आपका चप्पल टूट जाने पर, उसका अंग खराब हो जाने पर उसका मान खत्म हो जाता है। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों के अंग जब कमजोर पड़ जाते हैं तो उनका भी मान खत्म हो जाता है। तुम्हारे संस्कार इतने कमजोर हैं, ये बताना चाहता हूं। जिनके संस्कार अच्छे वो तो अपने माता पिता के चित्र को ही पूजते, उनके तो अंग जला दिए तो भी उनकी पूजा करते, उनकी प्रतिष्ठा करते, उनकी मान्यता रखते। इसलिए शास्त्र का कहना, कथा का यही कहना है कि कैसे भी करके कथा हमारा उद्धार करे, हमें समझाए, हमारी मुक्ति करे, हमें ज्ञान दे, हमें मार्ग दे, हमें दृष्टि दे, हमें संभाले।